नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक बार फिर से अदानी विलमार के शेयर में आपने गिरावट आते हुए दिखी है। एक बार फिर से अदानी विलमार का शेयर 52 वीक लो लगाता हुआ दिखा है और 300 के नीचे भी निकल गया। अब ये शेयर 293 के लेवल्स के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एग्जैक्ट प्राइस की अगर बात की जाए तो 293.40 रुपीस पे क्लोजिंग आई है। 2.5% ये शेयर गिरकर बंद हुआ है। इस शेयर ने बीते एक साल डेढ़ साल में निवेशकों से जो कुछ छीना है उसमें सबसे बड़ा है धैर्य। पैसा तो छीना ही छीना है लेकिन पेशेंस भी लूज कर दिया है निवेशकों ने। आप किसी स्टॉक को लेकर कॉन्फिडेंस जताते हैं अगले दिन लॉस, फिर जैसे तैसे कॉन्फिडेंस जताते हैं अगले दिन लॉस, फिर कॉन्फिडेंस जताते हैं अगले दिन फिर लॉस। फिर आप एक समय देखते हैं आपका पूरा ग्रुप अच्छा कर रहा है लेकिन आपका शेयर नीचे जा रहा है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अदानी ग्रुप की पर्टिकुलरली बात करोगे तो पोर्ट्स अच्छा कर रहा है, अदानी पावर बहुत अच्छा कर रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैट है, एनर्जी सॉल्यूशन और आपका टोटल गैस भी ज्यादा कुछ खराब नहीं कर रहा। लेकिन विलमार एक ऐसी कंपनी, जब ये बाजार में उतरी थी तो निवेशकों ने इस पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था, बहुत प्यार दिखाया है इस स्टॉक को लेकर, और उसके बाद 200-250 वाला जो आईपीओ था वो 800 रुपए तक गया। आप अदानी विलमार का जब चार्ट ओपन करेंगे ना पूरा लाइफ टाइम का, तो आपको देखने को मिलेगी इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी। 2022 फरवरी स्टॉक 350 के करीब लिस्ट होता है, अराउंड 350 का लो लगाता है। फिर वन साइडेड अप्रैल में ही, फरवरी से अप्रैल में ही ये 300 वाला शेयर 800 का हो जाता है। उसके बाद बड़ी करेक्शन 585, लेकिन लोगों ने दबा के खरीदा फुल कॉन्फिडेंस और शेयर का भाव दोबारा 800 होता है और इस बार 800 नहीं 820-830 जाता है। तब लोगों ने कहा ये स्टॉक 1000 का, 2000 का, 5000 की भी बातें चलती थी। फॉर्चून ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, FMCG का लीडर है, ये है वो है और खरीदो। लेकिन उसके बाद से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो सितंबर 2022 के बाद से जो करेक्शन शुरू हुई है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। फरवरी 2023 यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 6 महीने में वो 800 वाला शेयर 360 पे आ गया। लेकिन अभी भी लोग डटे हुए थे क्योंकि शार्प करेक्शन आई, फिर जंप आया शेयर में 450 तक। लेकिन उसके बाद जो ये स्लोली कछुए की तरह हर दिन एक सीढ़ी नीचे उतर रहा है ना, यहां कॉन्फिडेंस पेशेंस सब लूज कर दिया निवेशकों ने। आज ये शेयर फ्रेश लो लगाता हुआ दिख रहा है और कमाल की बात क्या है पता है, ये शेयर जितना नीचे गिर रहा है उतना ही महंगा हो रहा है। ये होता नहीं है, ये बहुत एक्सेप्शनल केस है। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, यही शेयर 550 पे जब था तो 80 के पीई पे दिखता था, आज जब यही शेयर 300 के भी नीचे है तो 300 के पीई पे दिख रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि कंपनी का मुनाफा साफ हो गया, लॉस में आ चुकी है और अर्निंग पर शेयर केवल 1 रुपए का रह गया है। इसलिए इस कंपनी के वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं क्योंकि अर्निंग्स खत्म हो गई है, ये रीजन है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल वाली वीडियो में भी समझाया था, एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। ये कॉन्सेप्ट पूरा अर्निंग का, पीई का और स्टॉक के प्राइस का, ये तीन चीजें रिलेट करती हैं। मेरी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10 रुपए का है, मेरा शेयर 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स मेरा शेयर 30 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ये तो 30 टाइम्स से ये पीई हुआ, प्राइस टू अर्निंग। मेरा प्राइस जो वो मेरी अर्निंग के सामने 30 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है। 30 × 10 करोगे आप 300 हो जाएगा ना, तो 10 मेरा अर्निंग हो गया पर शेयर और मेरा 30 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है प्राइस, इसलिए 300 का है। अब यही प्राइस घटकर 200 रुपए पे आ जाए और मेरी 10 रुपए की अर्निंग 5 रुपए की रह जाए, तो पता है अब ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? अब ये 30 टाइम्स पे ट्रेड नहीं कर रहा, अब ये 40 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। आपने नोटिस किया जो शेयर 300 पे था 30 टाइम्स पे, वही जब 200 पे आया तो वो 40 टाइम्स पे हो गया और महंगा हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेरी अर्निंग 10 वाली 5 रह गई भैया। सेम यहां भी यही हुआ है, 6 रुपए की अर्निंग 1 रुपए की रह गई है। तो आपका शेयर तो गिरा आधा है लेकिन अर्निंग तो आपकी ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई, 6 रुपए वाली अर्निंग केवल 1 रुपए की रह गई है। ये बड़ा मूव हुआ है जिसकी वजह से स्टॉक में ये सब चीजें हुई है। अब ये जो अर्निंग खत्म हो रही है ये क्यों हो रही है? क्योंकि कंपनी कह रही है हमारी इन्वेंट्रीज महंगी है और दाम जो है बाजार में वो सरकार ने सस्ता कर दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। एडिबल ऑयल की इन्वेंट्रीज, आगे चलकर ये एडिबल ऑयल का कारोबार दोबारा मुनाफे में आएगा और ये सारी चीजें सही होंगी, ये कंपनी ने कहा है, जो कि होंगी लिटरली। वहीं दूसरी तरफ एक और कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आगे खड़ी हो गई है, वो ये हो गई है
कि कंपनी में से प्रमोटर्स एग्जिट की बात कर रहे हैं, वो भी एंटायर स्टेक के साथ, पूरा का पूरा बेचना चाहते हैं, वो इस कारोबार से अपने दूसरे कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं जिनमें उन्हें ज्यादा ग्रोथ दिखती है। तो ये एक और नेगेटिव चीज है निवेशकों के लिए। अब ऐसे में क्या करें, अब वेट करना ही एक बेटर ऑप्शन है। पहला, आपको इस अर्निंग पर शेयर पे, जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय, मुझे लगता है अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अर्निंग पर शेयर में बढ़ेगा तो फिर ये वैल्यूएशन जो इतने महंगे वो अपने आप रीजनेबल हो जाएंगे। तीसरी बात, अब प्रमोटर्स तो बेच रहे हैं, कोई बड़ी एफएमसीजी कंपनी आके इस फॉर्च्यून ब्रांड को एक्वायर करेगी, अब वो कौन सी बड़ी कंपनी होती है जो इस फॉर्च्यून ब्रांड को एक्वायर करती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि फॉर्च्यून ब्रांड तो खराब है नहीं मेरी नजर में। तो अब सिचुएशन बहुत खराब ऑलरेडी हो गई है, लेट्स सी क्या होता है अगला स्टेप, वो देखने के बाद ही फैसला लेना अब ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय, होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।